You can see everybody make these samples and blaze at their out of doors on ball. These samples made because of the corona has come now. It's only Abba. You can see these samples available in every door. You can see. I can't show you in every door, but here I will see now in this door. You can see also this door. You can see also this door. Every outdoor door has made this symbol because of the corona has come now. Or it's only a Abba, not a truth. But villagers can't understand this. So hello and welcome guys. पहली बात तो स्टूडियो इंग्लिश को आप इग्नोर मारना, क्योंकि आप जानते हो इस मेन पॉइंट पर आते हैं तो हुआ ही कोरोना आ गया. तो उनके कहने से मतलब बात फैल गई, यहाँ सभी को लोग जगाने लगे कि जाग जाओ, कोरोना आ रहा है, ये होने वाला है, वो होने वाला है. तो सब कोई लोग घर के बाहर दिए जलाने लगे, अगरबत्ती लगाने लगे, ये कोरोना आएगा नहीं इस वजह से. तो मैंने कहा बेटे अपन तो सो लो. फिर सारा गाँव जाग कर इधर उधर घूमने लगा, मैं भी गाँव में घूमा. आप ये कुछ फुटेज देख लीजिए, क्योंकि गांव में यहाँ आसपास में कुछ ऐसी अब्बाएं फैल रही हैं जो आप देख के तो फनी अब्बाएं. बिल्कुल राइट. तो चलिए गाइस, जैसे कि आपने देख लिया वीडियोस में, कुछ ऐसा सीन है. लोग मतलब आज रात की बात है, अभी सुबह के 8 बज रहे हैं, मैं आ गया हूँ अपने कुएं पर. तो मतलब हुआ क्या, रात को समथिंग 4 बजे अब हमारे घर आया कोई, मतलब 2-4 जने आए, उन्होंने किवाड़ खटखटाया और सब पूरे गांव वालों को ऐसे जगा दिया किवाड़ बजा बजा कर कि जाग जाओ, कोरोना आ गया है, ऐसा होने वाला है. तो मतलब ये बात कहाँ से निकली, अब ये बात निकली एक दूर के गाँव से, कोई अम्मा जी थी, उन्होंने मरते टाइम रात को कहा कि ऐसा होने वाला है, ये कर लो वो कर लो. तो सभी के गांव वाले, अब उनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी होती नहीं है, वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते, तो इस बात को नहीं समझ पाते हैं, किसी भी अब्बा को फैला देते हैं. सो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, बट गांव वालों ने सबने किया, घर के बाहर सब आउटडोर में दीपक जलाने लगे, ऐसे वो होता ना थप्पा है ऐसे कुछ, और वो साथिया बनाने लगे, सबको अगरबत्ती लगाने लगे घर में. तो मतलब बिल्कुल एकदम से बिल्कुल अब्बा को सच मान लिया उन्होंने. तो जैसे कि अभी कोरोना का दौर चल ही रहा है, तो उस कोरोना के चलते ये कुछ कांड हो रहा है. तो गांव में कुछ ऐसे अब्बाएं फैल रही हैं, सब कोई जाग गए 4 बजे रात को, मतलब पता नहीं कब से 2 बजे की सुन रहा हूँ मैं, तो 2 बजे जाग रहे थे, लेकिन हमको जगाए 4 बजे, तो हम भी जाग गए. बट मैं गाँव में घूमा फिरा, मैंने कि सोलो अफन बैठे. बट ये बात तो शायद आप समझ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होता है. कोरोना कोई ऐसा थोड़ी आएगा कि एक ही बार में सबको साफ कर देगा. अभी भी विज्ञान में इतना दम है कि हमें सेफ रख सके, इतना आसानी से कुछ नहीं होने वाला इस धरती को. तो मतलब इन गांव वालों की कुछ अंडरस्टैंडिंग कम होती है, वो नहीं समझ पाते, अब्बा को फैला देते हैं. बट ऐसा नहीं करना चाहिए, मैंने पहले बताया आपको, उससे यही बताना था. आप फुटेज में देखिए, कुछ ऐसा सीन है गाँव में, कुछ ऐसी अब्बाएँ फैल रही हैं, तो नहीं फैलाना चाहिए. तो मैंने सोचा एक फ़नी वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि गांव में कुछ ऐसा भी सीन होता है
आप देखिए अभी बाजार में तो ये सीन चल ही रहा है कि सब घर में हैं और पुलिस जो बाहर है उनमें डंडे चढ़ा रही है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही सीन है। तो गाइस मैं आपसे यही कहना चाहूँगा यार, घर पर रहो तो सेफ रहोगे, क्योंकि अगर हम 21 दिन घर से बाहर रहे तो 21 साल पीछे जा सकते हैं लाइफ में, क्योंकि देश की आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल डाउन हो जाएगी। अगर कुछ हो गया, ऐसे महामारी अगर फैल गई तो अस्पतालों में लोग माएंगे नहीं, तो फिर दंगे कर्फ्यू कहीं लपड़े हो जाएंगे। इससे अच्छा कि हम पहले से उसको चीज़ को बरत ले, शांति से रखें, सब सही रखें, जैसे इटली और चीन ने किया। पहले उन्होंने सही से उस पर कंट्रोल नहीं किया और बाद में आज वो उसको भुगत रहे हैं और आज उसी को रो रहे हैं। इसीलिए हमको पहले से, हमारे PM अच्छे हैं जो पहले से समझा रहे हैं, समझा इस बात को, घर में ही रहो। वैसे भी हम सब बोलते हैं कि टाइम नहीं मिलता है, टाइम नहीं मिलता, परिवार के साथ कैसे रहें, तो अब टाइम मिला है तो परिवार के साथ रहो ना यार, क्या जाता है आपको। और ये अब्बाएं आपके तरफ भी फैल रही हूँ, तो गाइस प्लीज़ यार ना फैलाएं। अब ये गांव वाले बूढ़े लोग होते हैं तो वो तो क्या, उनके टाइम में उन्होंने अपने पिताजी और से सुनी है कि ऐसी पहले महामारी फैलती थी कि सब गांव के गांव साफ हो जाते थे, घर में ताला लगा जाता था। मेरे दादाजी खुद बताते हैं कि पहले भी कुछ ऐसा होता था कि सब गांव के गांव साफ हो जाते थे, ताला लगा रह जाता था घर में। ये भी उनके टाइम में नहीं हुआ है, ये भी उनके माता पिता बताते हैं, दादाजी। और तो आप समझो, तो उनकी उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग है, बट अपन एजुकेटेड लोग हैं तो इस बात को समझो। बस यही कहना था और कुछ नहीं। तो चलिए गाइस, यही कुछ सीन है, बस मज़े कीजिए यार। घर पर टाइम मिला है रहने को तो आप टाइम को सही जगह पर यूज़ कीजिए, कुछ सीखिए, किताबें पढ़िए, मोबाइल ही चला लीजिए यार, कुछ नहीं तो परिवार के साथ बैठिए बस, और क्या। और अभी एक और ऐसी स्टोरी, मतलब अभी तकरीबन 2 या 3 साल पहले की बात है, जब मतलब कि ऐसा कुछ अब्बा उड़ा दी थी किसी ने कि ये धरती ये होने वाला, उलटने वाली है, फटने वाली है, लेकिन सब ने क्या अच्छे और बढ़िया अच्छे 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 पकवान बनाकर खा लिए कि मरने वाले हैं। तो सब ने गाँव में अधिकतर, सब ने तो नहीं, 25% लोग ने तो खा लिए थे, बट हुआ कुछ नहीं। तब समझिए इस बात को, इतना आसान नहीं है। आज भी विज्ञान में इतना दम है, भले कुछ उसका सोल्यूशन ना मिल रहा हो या फिर मिल गया हो, बट इतना आसान नहीं होगा ये सब कुछ कि आसानी से सब कुछ हो जाए। तो विश्वास रखिए यार खुद में, इन्हें यार विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। अगर विश्वास है तो इस दुनिया में सब कुछ टिका है, वरना विश्वास पर ये दुनिया टिकी है, वरना कोई नहीं होगा। गाइस यही बात शेयर करनी थी आपसे कि इन अफवाहों को ना फैलाएं यार, ऐसी आपकी तरफ फैल रही हो तो। तो चलिए गाइस यही कुछ कहना था आपसे, यही बताना था, स्टोरी शेयर करना था। तो वीडियो को लाइक कीजिए मत कीजिए, बट वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए कि ऐसी अफवाहें ना फैलें और घबराएं ना लोग, क्योंकि आधे तो वो एक कहानी थी ना कि किसी को फांसी पर चढ़ाने ले जा रहे थे तो उसको सांप से डसवा दिया, तो वो पहले ही मर गया, पिन ने चुबा दी उसके, तो पिन से इतना जहर निकला अंदर से कि वो समझा कि सांप ने काटा और अपने आप मर गया। वो ऐसा मत करो, डरो मत, अगर डर गए तो मर गए, अगर डर के आगे जीत है। हाँ माना दुनिया इस दौर से गुजर रही है आज के टाइम में, तो इसमें हमें मजबूती के साथ एक साथ होकर लड़ना चाहिए इससे, ना कि सड़क पर बाहर निकल कर नंगा करना चाहिए। मैंने एक वीडियो में देखा कि 2 लड़की लोग थी और जो एक पुलिस वाली मैडम थी, वो उनसे ही एंट्री, वो उनसे अकल रही हैं, दादागिरी दिखा रही हैं। अब वो लटने देंगी तो क्या करेंगी, अब क्या करें, बहुत हंसी आती है अब। बट ठीक है, बट थैंक्स यार जो अधिकतर लोग घर में हैं उनके लिए भी धन्यवाद, उनका आपने सपोर्ट किया। हाँ और एक और बात, ताली और थाली बजाने का 20-22 मार्च को कहा था, बट हमारे यहाँ आज रात को बजाया गया। मतलब क्या अंडरस्टैंडिंग है यार गाँव वालों की, कि ताली बजाने से कोरोना दूर हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। कोरोना ताली बजाने से वो तो सिर्फ उनका ये सरकारी या डॉक्टर पुलिस जो भी कोई हैं जो मतलब हमारी सेवा में लगे हैं फौजी, तो उनके उत्साह के लिए ये बात थी, तो यहाँ पर समझ रहे हैं कि उससे कोरोना दूर हो जाएगा, बट ऐसा कुछ है नहीं है, बट हो तो भी बढ़िया है। बट ठीक है, ये कुछ कहना था, धन्यवाद। तो बाय बाय, मिलते हैं फिर, सेफ रहो, घर पर रहो, अगला ब्लॉग जल्द मिलेगा इस कोरोना का भगाकर, तब तक लिए बाय बाय। और हमारा सल्यूट है यार आप सबको, डॉक्टर पुलिस जो कोई भी इस स्थिति में हमारी सेवा कर रहे हैं, मतलब लगे हुए हैं, तो अपने परिवार से ना मिलकर भी वो अपने काम में लगे हैं, जैसे सब कोई अपने परिवार के साथ बैठा है। बट उनसे पूछो कि परिवार के साथ रहना क्या होता है, आज उन्हें समझ आता है कि काश
हम होते। तो यार सपोर्ट करो यार उनका भी, वो हमारे लिए ही काम कर रहे हैं, वरना अगर वो हमें नहीं रोकेंगे तो हमारा कांड हो जाएगा। तो इसलिए उनका भी सपोर्ट करो। तो बाय बाय गाइस।